हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रशांत चक्रवर्ती और मैं आप लोग के लिए क्लास 12 का लेसन 3 डीप वाटर का चैप्टर बना रहा था। और कल 10 मिनट का वीडियो बनाया था और उसके आगे मैं रुक गया था। आज आपको पूरा करा देता हूँ ये चैप्टर, ध्यान सुनिएगा। कल हम बात किए थे कि एक जो बॉय रहता है 10 और 11 ईयर्स का, एक लड़का जो रहता है वो पानी से बहुत डरता है, और डरने के पीछे मैंने कारण बताया था आप लोग को। आज मैं वहाँ उसके आगे से बात कर रहा हूँ क्या कि उनको जो जब पानी में फेंक दिया गया था, एक बड़े से लड़का आए थे, अबाउट समथिंग 18 ईयर्स ओल्ड का लड़का आया था, और उनको जब पानी में फेंक दिया था उसके बाद के क्या होता है। चलिए मैं उसके आगे से आपसे बात करता हूँ। यह लिखा हुआ है, आई फेल्ड एट द सरफेस डाउन ऑफ द वाटर स्लो एंड चॉक्ड। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स पैरालाइसिस एंड रिगाइट। उनको लगा कि हम थोड़ी देर में वापस ऊपर आ जाएंगे एज ए कॉर्क की तरह, लेकिन बहुत देर में पानी में रहने के बाद उनका पैर जो है पैरालिसिस हो गया था, मतलब पैर में बेजान हो गए थे, थक गए थे, लोग ऊपर आना नहीं चाह रहे थे, मतलब सक ही नहीं रहे थे। ये ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लगा था मानो एक बहुत बड़ा ताकत जो है हमको अंदर की ओर खींच रही है। आई स्क्रीम्ड, मैं बहुत जोर से चीखा, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, केवल पानी ही हमको सुन पा रहा था और कोई नहीं। बात ये था कि उनकी जो उनका जो आँख और नाक जो था आउट ऑफ वाटर था, और उनका जो मुंह था माउथ वो पानी के अंदर था, तो जब वो चीख रहे थे तो कोई सुनाई नहीं पड़ रहा था, किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। तो ये दो बार, एक बार जब लड़के ने उसको फेंका था तब एक बार नीचे गए, और एक बार ऊपर थोड़ा सा आने के बाद फिर इसको जो है ग्रेट फोर्स ने उसको खींच लिया, अट्रैक्ट किया और फिर नीचे चले गए। तो आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ इज ऑन द नाइट मेयर फ्लाइट ऑफ द इनविजिबल फोर्स। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, माई लंग्स एग्स, माई हेड थ्रॉब्ड। उनकी जो ऐसा फील हो रहा उनको ऐसा फील हो रहा था कि मानो उनका ब्रे जो लंग्स हो वो फट जाएगा। सांसें अटक रही थी, लंग्स में बहुत पेन हो रहा था, हेड में बहुत पेन हो रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, बहुत ज़्यादा क्या बोलते डिसपॉइंट हो गया था। बट आई रिमेंबर्ड एज स्ट्रेटजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क ऑन द सर्फेस। ये सब उनको लग रहा था कि हम कॉर की तरह एकदम ऊपर आराम से वापिस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो और अंदर चले जा रहे थे क्योंकि उनको उतने अच्छे से तैरना नहीं आया था। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। उसके बाद अचानक से वो पूल के ऊपर आए और बिल्कुल सेफ था। आई वेंट डाउन डाउन इंटलेसली, मैं सिर्फ नीचे 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 ही जा रहा था जहाँ पर कोई अंत नहीं था, बॉटम का कोई नाम ही नहीं था, ऐसा मानो कि बॉटमलेस हो। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोला, नथिंग बट वाटर विथ ए येलो ग्लो। तब मैंने देखा क्या कि चारों ओर पीला पीला पानी ही है, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जहाँ से कुछ भी किसी को भी देखना असंभव था, इम्पॉसिबल था। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तब अचानक से मुझे एक डर ने सीज्ड कर लिया, पकड़ लिया। टेरर मतलब होता है आतंक, डर, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट। ताकि भाई को कोई जानता नहीं, भय को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, आतंक यानी टेरर को, भय को जो है कोई समझ नहीं सकता। इट वॉज स्विंगलिंग अंडर वाटर, ये पानी के अंदर ही ऐसा भय उनको दिखाई पड़ रहा था। आई वॉज पैरालिसिस अंडर वाटर, पानी के नीचे उन तो पूरी तरह से पैरालिसिस हो गया था, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहा था। स्टिफ रिगिड विद फियर, और डर तो अलग से था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वेयर फ्रोजन, उनका जो गला था वो फ्रोजन हो रहे थे। ओनली माई हर्ट, उनकी कुल दिल जो था ना, हर्ट जो था ना, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। केवल उनका हृदय की धड़कन और उनके जो हेड थे, इन्हीं से उनको जो सिम्बलाइज मिल रही थी, संकेत मिल रहा था केवल वो अब भी जिंदा है। इसके मतलब अब भी जिंदा है, अलाइव मतलब जीवित। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन हिट द बॉटम। वो जब बॉटम में गया तो उसने क्या किया, हिट किया अपने पैर से बॉटम को, हिट किया और जंप करने की कोशिश की। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और क्योंकि स्विमिंग पूल के नीचे टाइल्स बिछे हुए थे तो वो टाइल्स उसके पैरों में लगे। माई टॉयज, टॉयज में अंगूठा होता है, माई टॉयज रीच आउट एज इफ टू द ग्रेप देम, मेरे अंगूठे जो है वहाँ तक सटने से बच गया। आई जंप विद एवरीथिंग आई हेड, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। हम तो पानी के अंदर थे, चारों तरफ पानी ही पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, रोप्स मतलब रस्सियाँ, लैडर मतलब चबड़े, वाटर विंग्स मतलब जो सेप्टिक दे जाते हैं, वाटर विंग्स जिसमें एयर भरी रहती है।
इनमें से कुछ भी उनके पास नहीं था। अगर कुछ भी आ जाता तो वो थोड़ा शायद उनको कुछ आशा ही मिलती, लेकिन कुछ ऐसा था नहीं उनके पास, केवल पानी था। नथिंग बट वाटर, ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक बहुत पीले पीले जैसा वाटर में उनको घेर कर रखा था। इस डार्क टेरर टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा मारो तो जैसे करंट का झटका रहे, इलेक्ट्रिसिटी रहे। उनको उस समय ऐसा फील हो रहा था। आई सुक एंड थेम्बल विथ फ्राइट, माई आर्म्स वुड नॉट मूव, हाथें नहीं हिल रही थी, पैर तो ऑलरेडी उनका पैरालिसिस हो गया था। माई लेग्स वुड नॉट मूव, आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सोचा और मैंने कोशिश भी किया कि किसी को मदद के लिए बुला लूँ। टू कॉल फॉर मदर, तो मदद के लिए उसने अपने मदर को बुलाया। नथिंग हैपेंड, बट वहाँ पर तो कोई था नहीं, देर वॉज नो पर्सन, कोई था नहीं, सिर्फ वही था, तो उनको सुनाई नहीं पड़ा किसी को। एंड देन स्ट्रेंजली देर वॉज अ लाइट, तभी मैंने देखा अचानक से स्ट्रेंजली मैंने अजीब तरह से एक लाइट दिखाई पड़ी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द अवफुल येलो वाटर, और एटलीस्ट माई आईज वेयर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, उनकी आंखें और नाक दोनों ऑलमोस्ट जो है ना, वो तो पहले से ही बाहर में था, पानी के बाहर में, आउट ऑफ वाटर। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, आई सुक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, द एलोइस लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो लाइट उनको दिखाई पड़ रही थी येलो लाइट पानी के अंदर अंडर द वाटर, अब वो लाइट भी गायब हो गई थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड ब्लैक लेश स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और उनके दिमाग में मानो एक अंधेरा सा छा गया। इट वीव्ड आउट ऑफ फियर, अब वो थोड़ा सा वीव्ड किया था फियर से, डर से। इट वीव्ड आउट टेरर, सारा चीज से उसको वीव्ड मिला था। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब उनको डरने की कोई जरूरत नहीं थी। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, अब थोड़ा बहुत शांत और आराम था। नथिंग टू बी अफेयर्ड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज नाइस, टू बी ड्रोजली टू द गोट स्लीप, नो नीड टू जंप, नो ट्राई टू ट्राई टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरिंग जेंटली टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई गो मस्ट गो टू स्लीप। जब वो घर पहुँचे तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा, चूँकि वो थक गए थे तो सोने का ही कोशिश कर रहे थे। आई क्रॉस टू अबिलियन एंड दन कर्टन ऑफ लाइफ फेल, द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल। जब उनको होश आया तो उसको पता चला था कि हम जो है पूल के बगल में सोए हुए थे, स्टोमक पेट के साइड पर, पेट के बलबूते पर, और वोमिटिंग भी हो रही थी। द चैप दैट थ्रू मी एज सेइंग, बट आई वाज ओनली फूलिंग, सम से समवन सेड द किड नियरली डाइड, तो उनको जो है थोड़ा सा, हालांकि वो मूर्छित हो गए थे, यानी लेस मेमोरी था उनके अंदर, मूर्छित हो गए थे, फैंट हो गए थे, फैंटेड थे, तो वो किसी ने कहा कि द किड नियरली डाइड, कि बच्चे जो है लगभग लगभग मरीज सा गया है, मर गया है थोड़ा थोड़ा, बट ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, का कि चलो इसको उठा के लॉकर रूम में रख देते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर वापस आया। आई वॉज वीक, ऑब्वियसली बात होगी, इतना देर तक पानी में रहा तो वीक तो महसूस हो ही गई ही, उनको थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो रही थी, एंड ट्रेवलिंग काम भी रहे थे पानी के अंदर जो थे। आई सुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और जब वो अपने बेड पर लेटे, बच्चा जब अपने बेड पर लेटे थे, तो आई सुक एंड क्राइट, थोड़ा सा हिला और हल्ला भी किया। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, और उस रात को उसने कुछ भी नहीं खाया था। फॉर डेज आई हंटिंग फियर इन माई हार्ट, उनके अंदर सिर्फ एक ही बात था, तो पानी के अंदर उनको जो डर था ना, पानी के अंदर जो डर था ना, वो पानी के अंदर वही डर उनको सता रहा था, बार बार उनको रिकॉल कर रहे थे, याद कर रहे थे और डर रहे थे। फॉर डेज आई हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, द स्लाइसेस एक्सटर्न अपसेट मी, और एक उदासी जो है ना उसके अंदर बहुत जोर से छा गई थी, मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। आई नेवर वेंट गोट बैक टू द पूल, कहता है ना कि जब तक किसी पर, कितनों बच्चे जो है माँ को मना कर लें, जब तक उन पर एक डर हावी ना हो जाए, वो संभलता नहीं, मना खुद को उससे अलग नहीं कर पाता है, संभलता ही नहीं है। यही बात कुछ इनके पास हुई थी, इनकी माँ इनको बोल रही थी कि याकिमारी पर मत जाना बेटा, नदी बहुत ही खतरा ट्रेचरस है, बहुत डेंजरस है, मत जाओ, लेकिन ये मान नहीं रहा था। और देखिए आज घटना वही घटी, पानी के अंदर था, बहुत कुछ खो दिया इन्होंने, डर तो और ज़्यादा फैल गया इनके अंदर। तो अब ये खुद में रियलाइज़ कर रहे हैं कि आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, कि मुझे अब जो है ना पानी में नहीं जाना है। ए फ्यू ईयर्स लेटर, आप देखिए कुछ साल के बाद, वेर आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैसिड्स, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम,
तो ये जो बच्चा फ्यू ईयर्स मतलब थोड़े बड़े हो गए होंगे, तो इनके अंदर कुछ और भी जुनून था कुछ करने के लिए, आई वॉन्ट टू गेट इन टू देम। तो अब उनको जो है पानी में तैराकी करना था। एंड वेन एवर आई डीड वेदर आई वॉज वेडिंग द टेस्ट टाइटन ऑफ द बम्बिंग रिवर और वॉकिंग इन वार्म लेक टू द गॉड रॉक्स। पहाड़ों पर जाना, वहां पर तैराकी सीखना, नहाना, ये थोड़ा बहुत उनका शौक में आ गया था। द टेरर दैट हैज सीज्ड मी, डर तो था ही उनके मन में पहले से ही, तो उन्हें सोचा था द टेरर हैज सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, इट वुड टेक पोजिशन ऑफ माई कंप्लीटली, माई लेग्स वुड बिकम पैरालिसिस, आइसी हॉरर वुड ग्रेब माई हर्ट, दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय इन कैनोज ऑफ मेन लेग्स फिशिंग एंड लैंडलॉक्ड सालमन। और चूंकि वो जो है पानी से बहुत डरता था, और मैं आपको पहले ही बता चुका था कि उनको पानी से डर तभी हुआ जब वो 3 और 4 साल के थे और अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया गए हुए थे, जहाँ पर वो नहा रहे थे। और नहाते वक्त उनको जो है ना एक बहुत बड़ा सर्फ आए थे, मतलब तरंग आए थे, और उनको जो है ना गिरा दिया था। तब से उनके मन में डर बैठ गया था। तो ये बात हो रही है न्यू हैम्पशायर का, न्यू हैम्पशायर यूएसए में है, और यूएसए की ही बात हो रही है। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डचेस और द मेटलिस ऑन ओरिजन फिशिंग और सेलमन इन द कोलम्बिया। तो यहाँ पर फिशिंग जितना भी काम था, फिशिंग उशिंग का सारा काम वहाँ पर हो रहा था। आई यूज एवरी डे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। फाइनली वन वन अक्टूबर एक बार हुआ कि एक अक्टूबर का दिन था, 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड, विलियम डगलस ने डिसाइड किया कि गेट एन इंस्ट्रक्टर इन द लर्न टू स्विम, कि मुझे एक प्रशिक्षक रखना चाहिए। इंस्ट्रक्टर मतलब होता है प्रशिक्षक जो उसको सिखाए। क्यों रखना चाहिए? लर्न टू स्विम, मुझे तैरने के लिए मुझे एक प्रशिक्षक चाहिए। आई वेंट टू ए पूल, तो एक बार इसने एक पूल में गया एंड प्रैक्टिस 5 डेज अ वीक, तो उसने सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस किया विथ इंस्ट्रक्टर्स, प्रशिक्षक के साथ, ट्रेनर के साथ। एंड आवर एच डे, एक दिन में 1 घंटा, मतलब 5 दिन में वो 1-1 घंटा करके 5 घंटा सीखता था, मतलब 7 दिन में 5 दिन तैराकी सीखता था 1 घंटा करके। द इंस्ट्रक्टर पुट मी, पुट ए बेल्ट अराउंड मी, और जिस तरह आप देखते होंगे फिल्मों में देखते होंगे कि कमर में एक बेल्ट सा बांध दिया जाता है, तो एक सिरा प्रशिक्षक के हाथ में और एक जो है सिरा जो है रस्सी का, वो जो जिसको सिखा रहे थे उनके हाथ में था, और फिर उनको रस्सी के सहारे ही जो ना उनको थोड़ा सिखाया जाता था। और सिखाने के बाद फिर उनको जो है ना पूरी प्रैक्टिस कराने के बाद उनको जो है वहाँ से मतलब भेज दिया जाता था। तो इस तरह इनके साथ भी चला, एक सिरा इनके कमर पर और एक सिरा ट्रेनर के हाथ पर, और इनको जो है नदी पार कराया जाता था ऑन अक्रॉस द पूल। अक्रॉस मतलब के पार, ACROSS द पूल। इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड, कभी कभी इंस्ट्रक्टर क्या करते थे रस्सी को छोड़ देते थे, मतलब थोड़ा सा ढील देते थे, और ताकि वो थोड़ा सा अपने समय से आगे बढ़ना सीख जाए। इट वॉज 3 मंथ बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक, देन हिट आउट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। उसके बाद लेखक सॉरी इंस्ट्रक्टर उसको बहुत कुछ सिखा दिया, पानी के अंदर कैसे डाइव लगाएं, एक्सहेल पानी के अंदर अगर रहे तो फिर अपना सांस को कैसे रोक के रख सकें, वगैरह वगैरह बहुत सारा एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज़ सिखाई थी उनको। पैनिक नहीं होना है पानी के अंदर, अंडर वाटर में पैनिक नहीं होना, बहुत सारा चीज़। नेक्स्ट ही हेल्ड मी टू द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विथ माई लेग्स फॉर वीक्स। आई डिड जस्ट दैट, एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, दस पीस बाई पीस ही बिल्ड ए स्विमर। बोलता है कि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं मिल जाती है, इनको भी इनके साथ भी सेम वही हुआ। धीरे धीरे करके ये स्विमर बन गए, तैराकी सीख गए। और वैन ही हैड प्रैक्टिस परफेक्ट ईच पीस, और अब ये बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए थे तैरने के लिए। समय हो गया अप्रैल का, नाउ वी कैन स्विम। अब वो बोल दे कि अप्रैल का मंथ हो गया, अक्टूबर में स्टार्ट किया, अप्रैल का मंथ आ गया, ताकि अब तुम सीख सकते हो, मतलब अपने से तैयारी सीख सकते हो, कर सकते हो। डाइव ऑफ स्विम टू द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, सारा चीज़ इनको सिखा दिया, क्रॉल स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, हर एक चीज़ का सिखा दिया इनको। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन फिर भी इनको जो है कुछ अधूरा लग रहा था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, ताकि अभी सब कोई है तो मुझे, अभी इंस्ट्रक्टर भी सामने है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं अकेला रहूंगा तो फिर क्या होएगा। आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं आगे और पीछे लेक के इधर उधर करने स्टार्ट किया। टिनी वेस्टिज ऑफ द होल टेरर वुड रिटर्न, लेकिन धीरे धीरे करके उनका जो ओल्ड टेरर था, पुराना टेरर था कैलिफोर्निया वाला, वो वापिस आ रहा था। बट नाउ आई कुड फोन एंड से टू दैट टेरर ट्राई टू स्केयर मी, मतलब अपने को डर से दूर रखने के लिए खुद को ही बोल रहे थे टेरर, यार कुछ नहीं होता है सब,
भाई भाई कुछ नहीं होता, बेकार से बातें हैं, खुद को मतलब सांत्वना देने के लिए। वेल हेयर इज टू यू लुक एट ऑफ अनदर लेंथ ऑफ द पूल दिस वेंट अनटिल जुलाई। अब जुलाई आ गया, अक्टूबर से अप्रैल, अप्रैल से जुलाई, बट इट वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द डर हैड लेफ्ट, उनको ये चीज का सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि सारा डर दूर हो गया है। सो आई वेंट टू लेक, वेंट फॉर द न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर में जो लेक था, लेक मतलब झरना होता है, फाउंटेन मतलब, सॉरी लेक मतलब झील होता है, फाउंटेन मतलब झरना होता है। टाइप ऑफ द डॉग एट ट्रिक्स आइसलैंड, और इस तरह करके उसने जो उस न्यू हैम्पशायर का जो लेक था उसमें डाइव मारा, गोता लगाया, और फिर अपने को जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस के थ्रू जो है ना अपने को वहाँ ढाला। एट आई हैड रिजोल्व डाउट्स एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट वेंट टू द टाइटन ऑन द कोनार्ड मिडोज अप द कोनार्ड ग्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर एंड क्रैप्ड इनटू द हाई मिडो। और इस तरह करके उसने सारा तैयारी को तैराकी सीख लिया, और फिर द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी। और वो जो एक्सपीरियंस था, कहा था कि एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा डालता है, तो इनका जो तैरने का जो थोड़ा थोड़ा जो पीस बाय पीस जो प्रैक्टिस था ये इनको तो सिखा ही दिए थे, साथ ही साथ इनके पास एक एक्सपीरियंस बन गया, और एक्सपीरियंस इसको बहुत आगे तक लेके गया विलियम डगलस को, एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टक टेरर एंड कॉन्क्योर इट कैन अप्रिशिएट। और ये टेरर के साथ साथ ये कॉन्क्योर भी हो गए, जीत भी हासिल कर लिए। इन डेथ देर इज ए पीस, देर इज टेरर ओनली इन द फार ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट न्यू। रूजवेल्ट जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिनके साथ इनका दोस्ती हो गया था और इनका जो है दोनों एक साथ काम किए हुए थे, तो इनके एक बात याद आ गई रूजवेल्ट की। रूजवेल्ट ने कहा था कि डर को डर ही मारता है, हाँ डर को डर ही मारता है, ये बात उनको याद आ गया, और उसी डायलॉग के सहारे ये क्या किए, अपने को आगे बढ़ाएं और फिर काम किए। तो एट लास्ट आई फेल्ट रियलाइज फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड ब्रश असाइड फियर, ताकि अगर हम अपने सारे डर को एक साइड में अगर रख देते हैं तो हम बड़े से बड़े ही काम को बड़ी ईजी और आसानी तरीके से कर सकते हैं, ये उनका मानना था, और ऐसे ही हुआ। लेखक जो विलियम डगलस इस लेशन में है, ये पहले बहुत ही डरा करते थे पानी से, टेरर बहुत डरा करते थे, लेकिन बाद में जब इसको एक्सपीरियंस हो गया, ये खुद से खुद में कमिटमेंट कर लिया कि हमको डरना नहीं है, हमको बहुत आगे तक चलना है, और हमको तैराकी स्विमर बनकर रहना है। और फिर इनके साथ जो इनके दोस्त हुआ करते थे, मतलब उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनकी बातों को याद करके इनको जो एक होप मिला, और वही होप के सहारे आज ये जो है ना विलियम डगलस जी बहुत आगे बढ़े, और अंत में ये कॉन्क्योर हो गए, जीत हासिल किए और विक्ट्री बन गए, और फिर ये जो है हमेशा के लिए इनके मन से पानी का भय दूर हो गया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस लेशन में जो भी क्वेश्चन आंसर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग को क्वेश्चन आंसर चाहिए पीडीएफ के रूप में तो कृपया हमें कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग को पीडीएफ के रूप में इसका अवेलेबल करवा दूंगा। और आप लोग थोड़ा बताइएगा कि ये जो लेशन है आपको कैसा लगा।